सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में हम धान के फसल में लगने वाले फुदका कीट के बारे में जानेंगे। फुदका कीट, जिसे हम मधुआ कीट भी कहते हैं, यह धान के फसल में मुख्यतः सितंबर से अक्टूबर के महीने में आक्रमण करती है। यह दो तरह के होती है, एक हरा मधुआ, दूसरा भूरा मधुआ। हरा मधुआ को पहचानने के लिए आप इसके पीठ पर काले रंग के धब्बे को आसानी से देख सकते हैं। यह पत्तियों का रस चूसती है, जिससे पत्तियां पीले पड़ जाती है और पौधे का ग्रोथ या बढ़ना रुक जाता है। भूरा मधुआ भूरे रंग का होता है और इसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि ये पौधे के जड़ों का रस चूसती है, जिससे पौधे सूखने लगते हैं। इससे आपके धान के पैदावार में काफ़ी असर पड़ता है। आपका धान का पैदावार 10% से 100% तक नष्ट हो सकता है। किसान भाइयों, चूँकि यह कीट आपके धान के फसल में एकाएक आक्रमण करती है, इसके बढ़ने की गति बहुत ही तीव्र होती है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने धान के खेत के अच्छे से निरीक्षण करें। खेत के अंदर बैठकर इसके जड़ों का निरीक्षण करें। रोग के उग्र अवस्था में धान के फसल को बचाना लगभग नामुमकिन हो जाता है, सारा फसल सूख जाता है। इससे बचाव के लिए आप सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड का ही प्रयोग करें, जैसे इमिडाक्लोप्रीड 200 SL का 150 ml प्रति हेक्टेयर या मोनोक्रोटोफॉस 1080 का छिड़काव आप कर सकते हैं। इसके अलावा इमिडाक्लोप्रीड 40% प्लस फिफ्रोनील 40% का भी उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वो केवल एक तरह का इंसेक्टिसाइड का प्रयोग ना करें, क्योंकि फुदका कीटों में किसी भी इंसेक्टिसाइड के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने की क्षमता होती है। अगर आप एक तरह का ही कीटनाशक का प्रयोग करेंगे तो इसमें प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाएगी और दवा के छिड़काव के बावजूद आपके फसल की सुरक्षा नहीं हो पाएगी। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि आपके धान के फसल को मधुआ कीट से कैसे बचाया जा सकता है। आपने पूरे वीडियो में देखा कि दो तरह के मधुआ कीट होता है, हरा मधुआ कीट और भूरा मधुआ कीट। हरा मधुआ कीट पत्तियों का रस चूसता है और भूरा मधुआ कीट तना का रस चूसता है, जिससे कि पौधे सूख जाते हैं। और इसके रोकथाम के लिए आप सिस्टमेटिक कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। सिस्टमेटिक कीटनाशक में मैंने बताया कि इमिडाक्लोप्रीड 200 SL का 125 ml प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़काव करें या मोनोक्रोटोफॉस 1080 का छिड़काव करें। इसके अलावा एक और दवा मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, इमिडाक्लोप्रीड 40% और फिफ्रोनील 40% का एक मिक्सचर आता है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपके काम आएगी। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो बेझिझक पूछिए, और धान या अन्य किसी फसल से रिलेटेड आप क्वेश्चन बेझिझक पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।